बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वॉइस ऑफ समीर के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हसीन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खुतबात में एक वाक़या नक़ल फरमाया है कि एक लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हो गई, मगर इस लड़की की किसी और जगह शादी हो गई। लड़का बड़ा परेशान हुआ, लड़की को ख़त लिखा कि बीवी मैं तुम्हारे साथ शादी की कोशिश में था मगर किस्मत में नहीं था, आप मेरे साथ एक मुलाकात कर लो। लड़की ने कहा ठीक है, मगर मेरा एक शर्त है। लड़की नेक थी, इसने कहा हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे 40 दिन तक नमाज बाजुमात पढ़ लो, फिर जहाँ चाहें बुलाएंगे हाजिर हो जाऊंगी। लड़का पहले लड़की के मकान की तरफ चक्कर लगाता था, मगर 40 दिन बाद इसने जाना ख़त्म कर दिया। लड़की ने पैगाम भिजवाया कि मेरी फरमाइश पूरी की है तो मैं हाजिर हूँ। लड़के ने कहा पहले मेरे दिल में आपकी मोहब्बत थी, मगर अब अल्लाह ताला की मोहब्बत बैठ गई है, अब आपका और मेरा रास्ता जुदा है। लड़की ने खावंद को ये बात बतला दी। इसके खावंद ने फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात बतलाई तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने सच फरमाया, बेशक नमाज लोगों को बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ समीर विज़िट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।